जो हमारे जीवन में वो किया करते आ रहा है उसको स्मरण करके आज आराधना करने का दिन है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें इस योग्य बनाया कि उसके सेवा में हो, हमें हमें इस्तेमाल करे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज सुबह फिर से एक बार प्रभु का वचन का सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद शुक्रगुजार कर रहा हूँ। और आइए हम प्रार्थना के साथ आज के सेवा में जाए। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो हमारे जीवन में अनुग्रह के साथ तूने जोड़ा है, ताकि प्रभु इस दिन हम प्रभु तेरे सेवा में उपलब्ध कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन के प्रभु मनन हम करने जा रहे हैं, हमारे दिल को, दिमाग को, मन को खोल, ताकि जो हम प्रभु हम पढ़ेंगे और प्रभु उसमें से मनन करेंगे, तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमें आशीष मिले। और जितने लोग प्रभु आज तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तेरे अनुग्रह और दया और विश्वास योग्यता प्रभु बनाए रख। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आज मैं आप सबको उत्पत्ति उसका 18 अध्याय को लेना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसके 10 से 15 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहां ऐसे लिखा है, उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़ाया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। 14 पद, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। निश्चित समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तो हंसी तो थी। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। मैं आज जो वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्या कोई बात, कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? Is there anything too hard for the Lord? क्या कोई बात, कोई काम, कोई समस्या हमारे परमेश्वर के लिए असंभव है या कठिन है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई समस्या होते हैं और कई समस्या के बीच में हम जाते हैं, लेकिन जब हम हमारी समस्या को लेकर प्रभु के पास आज आते हैं, परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा यूं कहना चाहता है कि कोई भी बात परमेश्वर के लिए कठिन या असंभव नहीं है। जब हम 18 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं कि इब्राहिम को एक उम्र की ममरी के पांच के पेड़ के बीच क्या हुआ, एक दर्शन मिला कि वो एक दर्शन देख रहा है। उस दर्शन में तीन परमेश्वर के जन दूत उसके पास आ रहे हैं और वो उनका खिदमत करने के लिए उनको स्वागत करता है, उनके लिए पानी लाता है, उनके लिए खाना भोजन प्रस्तुत करता है, उनको आमंत्रित करता है, उनको वेलकम करता है, उनको जितना ही उनका सेवा कर सके उतना वो उनका सेवा करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर का जन उनके पास आए हैं। और उसको पता चला कि परमेश्वर ने इब्राहिम के पास इस तीन दूतों को भेजा है ताकि परमेश्वर का कुछ तो मकसद जरूर है। और उन्होंने इन तीन दूतों की सेवा की, उनको पैर धोने के लिए पानी दिया, खाने के लिए वो बरसा और
फुर्ती करके उनके सेवा करने के लिए वो तत्पर हो उठा। सारा को बोला कि आटा गूंद कर उनके लिए रोटी बनाए, फुलका बनाए और बछड़ा मार कर उनके लिए भोजन तैयार किया जाए। जब सारा चीज खत्म हो गया, भोजन प्रस्तुत हो गया और उनके सामने परोसा गया, उसी समय की बात यह है। तब एक दूत ने कहा कि सुन, मैं तुझे कहता हूं, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि अब्राहम और सारा की जो समस्या, अब्राहम और सारा जब प्रभु का आदेश को प्राप्त किए, प्रभु का आह्वान को प्राप्त किए, अब्राहम को 75 उम्र हो रहा था और अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को सुनते ही वो अपना परिवार, अपना अपना देश, अपना जाति कुटुंब, अपना प्रिय लोग को छोड़कर वो परमेश्वर के कहने के अनुसार वो चल बैठे। और अब तक काफी लंबा समय हो गया था, उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, तेरे से एक महान जाति उत्पन्न करूंगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। जब हम 15 अध्याय को पढ़ते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार अब्राहम को दर्शन देकर कहता है कि मैं तेरे परमेश्वर हूं, यहोवा हूं, कि मेरे सामने तू क्या कर, विश्वास योग्यता के संचर। और परमेश्वर उनको एक कहा कि मैं तेरे वंश को उत्पन्न करूंगा और परमेश्वर उनको फिर से दोबारा एक दर्शन देकर कह रहा है कि जब इब्राहिम को 99 वर्ष हो रहा था, 99 years of age, और उसने कहा कि मेरे सामने walk before me and be blameless, मेरे सामने निर्दोष होकर चल और धर्माचरण कर। 75 years से लेकर आज तक 99 years तक 24 years what he was doing, वो क्या कर रहे थे? एक उनका एक लक्ष्य था कि परमेश्वर का दिया हुआ जो प्रतिज्ञा कब मेरे जीवन में पूर्ति होगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो वो अपने हिसाब से परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए हागार के पास चला गया और एक पुत्र जन्मा जिसका नाम इस्माइल है। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, इस्माइल तेरा वारिस नहीं होगा। कब होगा? अब जब हम 18 अध्याय को आते हैं तो 18 अध्याय में परमेश्वर अपने दूतों को फिर से एक बार भेज रहा है और उनको निश्चित करने के लिए ये संदेश, एक स्पेसिफिक मैसेज के साथ तो इब्राहिम के पास दूत आते हैं और कह रहे हैं कि अगले सीजन में जब हम फिर से दोबारा तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे एक बच्चा होगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं पहली बात में कहना चाहता हूं, God speaks a season of blessing in your life, in my life. Whatever be the situation, whatever be the problems around you and me, whatever be the difficulties you are passing through, but God speaks a season of blessing in your life. वो कहता है कि अगले season जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास एक blessing होने जा रहे हैं। Hallelujah. Are you going to accept that blessing today? जब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके समस्या के बावजूद, आपके difficulties के बावजूद, आपके जीवन की परिस्थितियों के बावजूद आपको कहना चाहता है कि मैं
अगले साल वसंत ऋतु में जब फिर से तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे पास एक जरूर एक ब्लेसिंग होगा। हालेलुया। God speaks a season of blessing. हालेलुया। और इस सीजन ऑफ ब्लेसिंग इज वेरी स्पेसिफिक। परमेश्वर कोई वेग प्रॉमिस नहीं देता है। परमेश्वर जब प्रॉमिस देता है, जब प्रोफेसी देता है, वो स्पेसिफिक देता है। वो कह रहा है कि पुत्र जनेगा। हालेलुया। व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग यू आर वेटिंग फॉर? व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड? आप प्रभु से क्या चाहते हैं? हो सकता है कई सालों से आप प्रभु का आशीष को प्राप्त करने के लिए रुके हुए हैं। हो सकता है प्रभु का आशीष को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में अनुग्रह आप चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में ये अब तक नहीं हुआ। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, There is a season of blessing in your life. Amen. There is a season of blessing in your life, and the Lord is going to speak to you that in his appropriate time, in his season, he is going to bless you. He is going to pour his blessing in your life. He is going to make you success in your life, and that's the season of blessing you must wait for. अगले सीजन में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। This is a visitation from the Lord. क्या हम परमेश्वर के विजिटेशन को अपेक्षा करते हैं? हमारे हालत क्यों ना कुछ भी क्यों ना हो, गरीबी या असंभव परिस्थिति, असफलता, बीमारियां, कठिन परिस्थितियां, अकेलापन, या हमारे जीवन में गरीबी या फाइनेंशियल क्राइसिस, whatever it may be, but there is a season of blessing in your life, and I speak it in the name of Jesus that God is going to shower a season of blessing in your life. Say amen. Hallelujah. ये जो बात दूत कह रहा था अब्राहम को, अब्राहम तो सुनता रहा, लेकिन उसका पीछे सारा खड़ी थी और सारा ने इस चीजों को सुना, इस बातों को सुना, और सुनने के बाद उसके अंदर उस बात को ग्रहण कर नहीं पा रही थी। अब उनके अंदर एक एक डिलेमा, एक संघर्ष होती थी कि क्या ये संभव है? इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल इन माई लाइफ? मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरा स्त्री धर्म भी चला गया है, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, और हमारे लिए नामुमकिन है, ये असंभव है। We are incapable. We are not in that age to get that blessing. किसी भी हालत से शारीरिक रूप में we are unfit to get that blessing. We are incapable to get that blessing. सारा के अंदर बस गया है, सारा के अंदर घुस गया है, मन में वो बैठ गया है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, शैतान हमारे अंदर एक सोच को पैदा कर देता है कि ये मेरे द्वारा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव है, मैं असफल हो गया हूं, मैं निकम्मा हो गया हूं, मैं अनप्रोडक्टिव हो गया हूं, मेरा समय जा चुका है, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट व्हेन यू से दैट, गॉड से, गॉड स्पीक्स ए पॉजिटिव वर्ड इन योर लाइफ दैट यस, दिस इज गोइंग टू हैपन। परमेश्वर की आत्मा दूतों के द्वारा कह रहा है कि सारा, नेवर से दैट यू कैन नॉट, Never say that is impossible. Never say that you cannot. God is there to do it, because our God is a possible God. There is nothing impossible to Him. That is why ये 14 पद में लिखा गया, क्या कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव है? Is there anything too hard for the Lord?
क्या कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव है? हमारे जीवन में असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। सो दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। कितना बड़ा क्यों ना हो हमारे समस्या, जब परमेश्वर का दूत सारा और अब्राहम को आशीष के बारे में कह रहा है, सारा इम्पॉसिबल के बारे में वर्णन कर रहा है। When God speaks possibility, He speaks the impossibility. हमारे पास ये युक्त करने के लिए कई नेगेटिव बातें हैं। ये नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा एज चला गया, ये नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा स्त्री धर्म चला गया, ये नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा पति बूढ़ा है। We have a list of problems. We have a list of obstacles. And we say, because of this, I cannot succeed. Because of this, I cannot succeed. Because of this, I cannot grow. When God is saying, परमेश्वर जब कह रहा है ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये नहीं होगा प्रभु, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, मेरा एज चला गया, मेरे जीवन में कई समस्या है, मैं गरीबी हूं, मैं बीमार हूं, मैं अकेला हूं, मुझे लोग छोड़ के चले गए। Then in God says, yes, there is a season of blessing in your life. परमेश्वर कहता है होगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। सारा आपके अंदर, अपना अंदर एक अविश्वास भरा हुआ था, और उस अविश्वास के वजह से उसके अंदर एक हंसी आए, और उस हंसी एक अविश्वास के हंसी थी। वो खुश होकर नहीं हंसी कि हो जाएगा, अच्छा है, भला है कि मैं मां बन जाऊंगी, नहीं, उसके अंदर जो अविश्वास उसके दिल के अंदर बैठ गया था, वो उसको हंसने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में किसी प्रतिज्ञा की बात कहते हैं या किसी प्रोफेटिक वर्ड कहते हैं, Never laugh at the word of God. या never take light परमेश्वर के दिया हुआ वचन को किसी भी तरह के हल्का से मत लेना, क्योंकि जब परमेश्वर कहता है उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है, उसमें जान है, उसके जीवन है, और उसमें सब कुछ है, वो संभव है। सारा हंसी क्योंकि सारा के अंदर अविश्वास बैठ गया था, सारा के अंदर अपने आप को देखने का एक सोच था। कई बार हम हमारे समस्या को, हमारे इनकैपेबिलिटी को ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा डिस्कस करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा उस पर मनन लगाते हैं, बल्कि परमेश्वर जो कहता है उनको छोड़ देते हैं। Before our eyes, we have the big problems, and that problem hinder us to see a big God. हमारे कानों में हम अविश्वास की बात सुनते सुनते हमारे कान सुन हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर के दिया हुआ भविष्यवाणी या प्रोफेटिक वर्ड का वचन को विश्वास जल्दी से हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कहना चाहते हैं, Is there anything too hard for the Lord? मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या है मैं नहीं जानता, आप किस समस्या में जा रहे हैं मैं नहीं जानता। सारा और अब्राहम के समस्या जितना बड़ा था, हो सकता आपके जीवन में उतना बड़ा समस्या नहीं होगा। लेकिन आज सुबह जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक विश्वास पैदा करने जा रहा है। अब परमेश्वर के दिया हुआ वचन हमारे जीवन में, हमारे निष्क्रिय जीवन में एक जान डालने जा रहे हैं।
हालेलुया। When God spoke the word through that angel, जब परमेश्वर दूतों के द्वारा उस बात को कहा, उस प्रोफेटिक वर्ड को, विश्वास के वचन को, ज्ञान के वचन को, उस वचन, उस निष्क्रिय, अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव और अविश्वास हृदय में जब प्रवेश किया, उसमें इस निष्क्रियता में सक्रिय बैठ उठा, उसमें जान आ गया, उसमें एक जोश आ गया, उसमें एक विश्वास आ गया, हो ऐसा हो सकता है क्या? जब आपके जीवन में आप विश्वास में थक गए हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर करके थक गए हैं, आप प्रभु के ऊपर भरोसा करके थक गए हैं, प्रभु इतना साल हो गया, इतना दिन हो गया, इतना महीना हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है। God's denial is not, God's delay is not denial। जब परमेश्वर के काम हमारे जीवन में डिले होता है, वो डिनाय नहीं होता है। उसके लिए एक टाइम है, उसके लिए समय है, उसके लिए एक ऋतु है। Never say that it did God deny my prayer. Never say that God rejected my prayer. But there is a season of blessing in your life, my friend. विश्वास में उस वचन को, उस कथन को, उस प्रोफेटिक वर्ड को ग्रहण कर जी, हृदय में उसको स्थान दीजिए। आपका निष्क्रिय हृदय में, आपका मरा हुआ हृदय में, आपका मरा हुआ उम में, let the word, a prophetic word of God, enters in your dead cell, and that will revive you, that will create you a revived person. Is there anything too hard for the Lord? Hallelujah. सारा, जब सारा को फिर से एक बार पूछा गया कि सारा तुम क्यों हंसी, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, सारा ने मुरख कही और कही मैं नहीं हंसी, क्योंकि दूत ने कहा नहीं तू तो हंसी थी। मेरे प्रियो, हमारे परिस्थिति कितना समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है। वो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो आपके जीवन में कुछ संभव करने जा रहे हैं। There is a season of blessing in your life. Receive it in Jesus' name and God is going to bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।